हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं अपने कार का जो है वेट कराने वाला हूँ। वहाँ पर आप देख सकते हैं वेट है आगे, तो वहाँ पे जो है मैं कार का एक्चुअल वेट निकालूंगा अपने कार का i20 एक्टिव का, और आपको बताऊंगा कि एक्चुअल वेट क्या है, क्योंकि आपको जो इसका वेट है वो एक्चुअल फिगर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए कार को वहाँ चढ़ाते हैं और आपको बताते हैं जो एक्चुअल वेट इसका कितना आता है। सो गाइस चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ जो है एक्चुअल वेट क्या है इसका। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका एक्चुअल वेट, देखते हैं आज कितना है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, सो इस पर मैंने चढ़ा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने चढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। अभी बाहर जाके देखते हैं इसका वेट कितना आ रहा है। चलते हैं, यहाँ पे वेट दिखेगा। सब आज इसका वेट है इतना, अभी कार का मेरे। सो भैया हो गया ना, इतना ही है ना, वही डिस्प्ले है ना? कोई भी नहीं अंदर? नहीं नहीं खाली। तो दोस्तों थैंक यू भैया। सो गाइस ये जो है ये एक्चुअल वेट है i20 का, आप देख सकते हैं 1220। सो जो है आज जो है डाउट क्लियर हो गया कार का कितना वेट है इसके बारे में, आप एग्जैक्ट वेट मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों ये मैं बहुत दिन से खोज रहा था कि कहाँ इसका वेट कराऊँ, इसका वेइंग जो है मुझे यहाँ आज दिख गया अचानक से। सो मैंने करा दिया इसका। तो गाइज यहाँ पे ये होता है। सो गाइज भैया जो है यहाँ पे कुछ पैसा वगैरह नहीं लिया, फ्री में जो है ये हो गया मेरा। दोस्तों इसका जो एक्चुअल वेट है जिसको हम बोल सकते हैं कर्व वेट जो है, क्योंकि मेरा कार जो मैंने वेट जब इसको वेट कराया था ये खाली था, कोई भी नहीं था इसमें, और उसमें कोई माल भी लोड नहीं था। तो यही जो इसका वेट जो है अच्छा खासा है, कर्व वेट जो है इसका 1200 से ऊपर है, विच इज़ गुड। तो दोस्तों आपको जो है इससे आपको जो इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में पता लग जाता है, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। सो गाइज 1220 किलोग्राम का जो है इसका वेट निकला। सो उसके हिसाब से जो है इससे पता चलता है इसका जो है बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। और आप जो है मारुति कार्स के बारे में जानते ही होंगे, तो बलेनो को ऑलमोस्ट कुछ 850 या कुछ 900 का राउंड आता है वेट उसका, और इसका वेट में देखिए काफ़ी फ़र्क है। तो दोस्तों ये जो है ये चीज़ मैं बहुत दिन से कराने की कोशिश कर रहा था, मैं खोज भी रहा था कि कहाँ जो है मैं अपने कार का जो एक्चुअल वेट करा पाऊँ, जो रियल वेट है, जो आपका ब्रोशर या कहीं भी जो मेंशन रहता है उस पर मुझे यकीन नहीं था, इसीलिए मैंने खुद करा के देखा और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ दोस्तों। तो इसका वेट से पता चला इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है इसका वेट के बारे में पता लगा होगा और ये ब्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ब्लॉग अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिस्टे हेल्दी स्टे सेफ।